आज हम कुकर में पनीर पुलाव बनाएंगे। देखिए पुलाव कितना खिला खिला बना है। पहली बार में ही एकदम खिला खिला परफेक्ट पुलाव बनेगा। वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखें। इसमें मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तोसी और मेरे रसोई में आपका स्वागत है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप बासमती राइस लिया है। चावल को अच्छे से 2-3 बार धो लेंगे। हमें चावल को सोक नहीं करना है। पहले चावल को धो कर रख लेंगे और फिर पुलाव बनाने की तैयारी करेंगे। मैंने चावल को धो कर एक छलनी में रख लिया है ताकि सारा पानी निकल जाए। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेंगे नमक, मिर्च और हल्दी के साथ। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इनको सेलो फ्राई करेंगे। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे और उस पर 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल अच्छा से गर्म हो जाए फिर इसमें पनीर को डाल देंगे। पुलाव में कच्चा पनीर अगर डालोगे तो टूट जाएगा, इसीलिए पनीर को थोड़ा सा फ्राई करना ज़रूरी है। पनीर हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे चारों तरफ से। उलट पलट कर चारों तरफ से गोल्डन कर लेंगे। देखिए पनीर हमारा अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने यहाँ पर कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें जाएगा 3 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा। अब इसमें सारे खड़े मसाला डालेंगे। 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 चक्रफूल, काली मिर्च और लौंग। इन सारे खड़े मसाले को कुछ सेकंड फ्राई करेंगे। अब इसमें जाएगा 2 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें जाएगा कुटा हुआ अदरक और लहसुन। मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से कूट लिया है। आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन को 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच किचन किंग मसाला का इस्तेमाल किया है। अब इसमें 3-4 हरी मिर्च डाल देंगे। ये भी पुलाव में अच्छा टेस्ट देता है। अब हम जो चावल धो कर रखा था उसे इसमें डालकर 3-4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे धीमी आंच में। सारे मसाला और तेल का अच्छे से एक कोटिंग हो जाना चाहिए इसमें, जिससे चावल हमारा खिला खिला बनेगा, आपस में नहीं चिपकेगा। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए चावल हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम जो पनीर फ्राई करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। सारे चीज़ों को अच्छे से फिर से एक बार और मिक्स कर लेंगे। देखिए चावल में कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हमने जितना चावल का इस्तेमाल किया है उसका डबल से थोड़ा सा कम पानी हम इसमें डालेंगे। मैंने 3 कप पानी डाल दिया है और देखिए 4th कप में थोड़ा सा कम पानी डाल रही हूँ। हम इसे कुकर में बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा पानी कम डालें ताकि चावल हमारा ओवर कुक ना हो और एकदम खिला खिला बने। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस डाल देंगे, जिससे कि चावल आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और एक अच्छा सा फ्लेवर भी देगा नींबू। अब इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच केवड़ा वाटर का इस्तेमाल किया है। केवड़ा वाटर डालने से भी पुलाव में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और 1 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। कुकर में 1 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। कुकर का प्रेशर जा चुका है। अब हम इसे खोल लेते हैं। देखिए पुलाव में कितना अच्छा कलर आया है और कितना खिला खिला दिख रहा है चावल। अभी हम चावल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही ढककर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चावल थोड़ा सा सेट हो जाए। 10 मिनट बाद हम इसे एक बड़े से बाउल में ऐसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। कुकर में पुलाव बनाने से थोड़ा सा जो चिपचिपा बनता है और चावल टूटता है, ऐसा करके देखिएगा आपका चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और एकदम खिला खिला बनेगा। थोड़ा सा धनिया पत्ता इसके ऊपर डाल देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।
मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू।